सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय स्थित प्रखंड कार्यालय परिसर में 35,27,700 रुपए की लागत से नवनिर्मित मनरेगा भवन का उद्घाटन स्थानीय जदयू विधायक हेमनारायण शाह एवं बीडीओ नंदकिशोर शाह ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान विधायक हेमनारायण शाह ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। कहा कि प्रखंड में यह पहला मनरेगा भवन है जिसका उद्घाटन हो जाने से यहाँ के जॉब कार्डधारी मजदूरों को काफी हद तक लाभ मिलेगी। लोग बैठे हुए हैं जिस भवन का हम लोग उद्घाटन किए, ये मनरेगा से बना हुआ है जो भारत सरकार का लाभकारी योजना गरीबों के लिए है। उसी गरीबों के मजदूरी से ये भवन तैयार हुआ है। ये भवन का लागत लगभग 35 लाख के करीब है और मजदूरी से बनाए हैं और इसमें गरीब मजदूर खट के बनाए हैं, उन लोगों को मजदूरी मिला है। ये मनरेगा मजदूर के द्वारा निर्मित कराया, मनरेगा मजदूर के द्वारा निर्मित हुआ। 100 दिन का रोजगार गारंटी के तहत ये भवन बना।